अस्सलाम वालेकुम गाइस, गाइस सब लोग कैसे हो? अल्लाह के करम से अच्छे हो गए। मैं भी ठीक हूँ। और देखो, मैंने कुछ लेके आई थी मेरे फर्नीचर मेरे घर के लिए, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ अभी क्या लाई थी। बहुत दिन से मैं बताने का था लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था मुझे थोड़ा, और उसमें प्रॉपर सेट भी नहीं हुआ है अभी भी, थोड़ा सेट नहीं, फिर भी आप लोग को बता टीवी देती है हूँ। पहला क्या? मैंने ली हूँ ये नया टीवी, ये 8K का टीवी है, और ये ली उसके साथ में, ये ले ली क्योंकि ये रखने का, टीवी रखने का स्टैंड ना, पहले हमारे पास दूसरा था तो अभी ये वाला ले हूँ मैंने नया, तो उसको अभी आप बताते हैं आपको छलके 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 मैंने कैसे सेट करी उसको, क्योंकि मुझे भी अकेला ही करना पड़ रहा है ना। देखो सब मैंने, मेरा छोटा छोटा सब था ना एंटिक सामान, जो मेरा वीडियो देखते हो लोग को पता होगा, उसमें रख दी सब, और ये सब ऐसा रखी हूँ उसमें, इसको ऐसा सेट करी हूँ, वो ज़्यादा नहीं भर के रखी हूँ, और इसके दो ड्रॉ भी हैं ये वाले ऐसे हैं बड़े बड़े दो हैं। बाप रे, जोर से बंद कर रही हूँ मैं। और इसमें भी छोटा मोटा सा ऐसा था, ये भी रख दूँ सब छोटे छोटे से, और इसके अंदर भी ऐसा रखी हूँ, शोकेस है ना ये छोटा सा, बंद हो जा भाई। तो ये लाए कब से हूँ लेकिन बताने का मुझे टाइम ही नहीं हो रहा था, थोड़ा बिजी थी, बराबर सेट भी नहीं हुआ था अच्छे से। तो कैसा लगा आप लोग को गाइस बताना मेरे को, गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और बताना कैसा लगा मेरा ये सेट पूरा। अब मेरा ये आती हूँ डाइनिंग टेबल पे, ये मेरा डाइनिंग टेबल है पूरा, 6 चेयर वाला है, और इसके नीचे 6 चेयर तो है ही, और एक सीट दी है उन लोगों ने ऐसे ना, अंदर सीट ये ना, ये देखो अपने बाहर निकालना पड़ेगा इन लोगों को, ये सीट है, अगर कुछ ज़्यादा ऐसा है तो आप रख के बैठ सकते हो, ये वाली है ना ऐसा, इसके अंदर तो उसको ऐसा अंदर भी रख सकते हैं आप ऐसा, ये मतलब 4 ये है और 6 मतलब वो है, उसके साथ में बैठ सकते हैं, 4 चेयर का है ये, और बाकी ये सीट है, 2-3 जन आराम से बैठ जाएंगे, दो दो जन तो बैठ ही जाएंगे ना। तो मैंने इसको बहुत पसंद आया कि इसकी जगह भी अच्छी रहती है, और सब मेरे को रखने के लिए भी सेट और करने भी अच्छा रहेगा, तो उसका डिज़ाइन ऐसा है। और ये कलर मैंने इसलिए लिया हूँ कि मेरे सब सोफे में ना मैं बैठती हूँ, ये वाला ऐसा कलर है तो इसमें मैच हो रहा है वो, ये कलर इसका ऐसा है, लाइट में दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये ऐसा कलर है इसका, पूरा ब्रॉड है, पहले ज़रा छोटा था तो बड़ा ली मैंने अभी, इसमें मेरा फ्रूट रखा रहता है हमेशा, क्योंकि हम लोग को खाने के बाद फ्रूट चाहिए रहता है, तो ये मैंने ऐसा ली हूँ। ये यहाँ से भी दिखा देती हूँ आप लोगों को, कैसा लगा बताना आप लोग। हाँ ये देखो चेयर भी बहुत कंफर्टेबल है ऐसी, किसी दिन पूरा हॉल का टूर कराऊंगी मैं आप लोगों को, तो आप लोग बताना ज़रा मेरे पूरा कैसा लगा सेट, आप लोगों को कैसा पसंद आया, अच्छा लगा कि नहीं कमेंट्स में लिखना, दिखाना कैसा है, कैसा लग रहा है मेरा टीवी ऐसा है। बहुत ज़्यादा भरने की मुझे आदत नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं चाहिए मुझे, मतलब सिंपल सा ये जो साइकिल है ना ये वाली, ये मेरे भाई ने मुझे दिए थे, ले लाया था इंडिया से, ये एंटिक है देखो, ये बहुत कैसी बनी है देखो, ये इसका अच्छा लगता सचमुच की है, यहाँ आप कुछ रख भी सकते हो पीछे बैठने का और रखने का ना, वो भी है। और हम लोग का हस्बैंड का, मेरा वाइफ मतलब मेरा और मेरे हस्बैंड का पुराना पिक्चर है, बहुत ही पतली थी तभी मैं एकदम ऐसा, तो ये ऐसा है इसके अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं रखी हूँ मैंने, जगह जगह है वहाँ पे, लेकिन उसको थोड़ा एम्प्टी ही रखी हूँ, खुला ही खुला रखी हूँ मैंने। ऐसा लगा आप लोग को मेरा फर्नीचर पूरा, ये ना पूरा मतलब इसके अंदर अभी कुछ थोड़ा सामान लेके आने का है मुझे, थोड़ा सा लाना है कुछ, तो अच्छा देख के लेके आऊँगी, टाइम रहेगा ना तो कुछ एंटिक जैसा लेके आऊँगी, मुझे एंटिक चीज़ें बहुत पसंद आती है एकदम ना, और बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं चाहिए मुझे, एकदम खुला खुला चाहिए मुझे हर चीज़, मतलब मेरा हॉल एकदम खुला होना चाहिए, एकदम पेस अच्छा होना चाहिए, स्पेस अच्छा होना चाहिए, बहुत क्राउडेड नहीं चाहिए, मैं नहीं करती बहुत क्राउडेड, सिंपल में कुछ मतलब अच्छा लगता है, थोड़ी चीज़ों अच्छी चीज़ों के देखने में समझ में भी आता है कि क्या रखे हैं और क्या है, बहुत ज़्यादा भर देने का यहाँ वहाँ ये इधर उधर सब नहीं अच्छा लगता। मैं एक दिन किसी दिन मेरा हॉल का टूर कराऊँगी आप लोगों को, मेरे घर का कराऊंगी टूर, टाइम निकाल के ना ऐसे अच्छे से पूरा थोड़ा मेरा शोकेस को सेट कर दूंगी अच्छे से और बता दूंगी। तो ये मैंने चलो आप लोग से बताती हूँ, शेयर करूँ,
कैसा लगा आप लोग बताना। वो भी पुराना स्टेप है, पहले वाला तो पुराना बहुत हो गया, स्टाइल हो गया था वो। मेरे को फर्नीचर इतना सा चेंज करने में अच्छा लगता है, कुछ चेंजिंग होएगा ना अच्छा लगता है, मुझे पसंद आता है ऐसा। एक ही टीवी तो ज़बरदस्ती मेरे को टीवी को नहीं बदली करना था, टीवी था मेरा अच्छा ही था, सडनली वो कुछ ख़राब हो गया। कितने 11-12 साल का हो गया था वो टीवी मेरा, इतना पुराना था वो, चल रहा था तो मैं जब चलता रहता ना चीज़, तो मैं कभी जाके उसको ले खरीदती नहीं हूँ, जब ये है तो जाके उसको निकाल के नया लेके आना, ऐसा नहीं करती। जब तक चल रहा है चलाती हूँ, एकदम ही हो गया, एकदम ही खराब हो गया, उसके बाद में बोले अब तो लेना ही लाना ही पड़ेगा अभी, तो फिर लेके आ गए ऐसा वाला, लाना पड़ेगा। बाकी शोकेस तो मुझे लेना ही था नीचे का, टीवी स्टैंड का वो लेना ही था मुझे, सब रखने का वो बहुत बड़ा है, जगह भी खुली खुली हो गई ना, पूरा बड़ा ऐसा लगता था, अभी ओपन जगह हो गई पूरी, तो अच्छा लगता है खुला खुला। तो ये था आज का स्टोरी गाइस, कैसा लगा आप लोग को बताना। ठीक है, तो दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखिए, मिलती हूँ दूसरे वीडियो के साथ बहुत जल्दी। अल्लाह हाफिज़।